सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 8000। दोस्तों, आज की जो वीडियो है मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो कि मतलब बजट के स्मार्टफोन ख़रीदना चाहते हैं, मतलब अंडर 8000, मतलब जो ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं 10000-12000 तक के मोबाइल्स। तो मैं आज उनके लिए वीडियो बनाने वाला हूँ जो कम से कम प्राइस में आपको सबसे अच्छे स्मार्टफोन मिलेंगे। दोस्तों, मैंने इसमें 5 स्मार्टफोन लिए हैं जो कि 5th नंबर से लेके 1st नंबर तक जाएंगे। मतलब कि सबसे पहले मैं आपको 5th नंबर का स्मार्टफोन बताऊंगा और फिर धीरे धीरे हमारी वीडियो जैसे आगे बढ़ती जाएगी उसके बाद हमारा 1st नंबर का स्मार्टफोन आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो दोस्तों, जो 5th नंबर का स्मार्टफोन है वो है दोस्तों सैमसंग की तरफ से सैमसंग M02। ये दोस्तों, ये स्मार्टफोन अभी पिछले महीने ही लॉन्च हुआ है और ये सैमसंग का सबसे सस्ता फ़ोन है। अगर आप सैमसंग यूज़र्स हैं, अगर आप सैमसंग को मतलब ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करते हैं और आपको सैमसंग पसंद है तो आपके लिए ये फ़ोन अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस स्मार्टफोन में आपको 6.5 इंच की TFT LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसके अंदर आपको रैम 3GB और 32GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी और इसके अंदर दोस्तों आपको 5000mAh की बिग बैटरी देखने को मिलेगी। और इसमें प्रोसेसर की बात करूं तो इसमें प्रोसेसर दोस्तों ठीक ठाक ही है, मतलब कि MediaTek का 6739 प्रोसेसर है जो कि आपको ज़्यादा अच्छी गेमिंग नहीं देगा, मतलब ज़्यादा अच्छी गेमिंग प्रोवाइड नहीं करेगा। इस पर आप दोस्तों बिल्कुल मीडियम गेमिंग कर सकते हैं, जैसे कोई से छोटे गेम्स होते हैं ना, उन्हें ही आप खेल सकते हैं इस मोबाइल पर ज़्यादातर अच्छे तरीके से। इसमें दोस्तों आपको एंड्रॉयड 10 मिलेगा और इसके अंदर आपको One UI 2.0 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको 2 कैमरे देखने को मिलेंगे रियर की साइड में 13+2 मेगापिक्सल के, और फ्रंट में दोस्तों आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। इससे दोस्तों आप ज़्यादा अच्छे वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, मतलब FHD प्लस आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं पर कम सेटिंग्स पे आप इसकी रिकॉर्डिंग अच्छे से कर हो सकती है इसमें। और कैमरा क्वालिटी है वो भी ठीक ठाक ही है क्योंकि आपको दोस्तों इसमें 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छी मतलब बेटर पिक्चर क्वालिटी आपको दे ही नहीं, मतलब नहीं दे सकता। और दोस्तों, जो इस फ़ोन की प्राइस है वो है 7999। और दोस्तों, जो मैं फ़ोन बता रहा हूँ उन सब की दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। दोस्तों, जो 4th नंबर का स्मार्टफोन है वो आता है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स स्मार्ट 5। दोस्तों, ये जो स्मार्टफोन है इसमें आपको बहुत बिग डिस्प्ले देखने को मिलेगी, मतलब बहुत बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, वो है 6.82 इंच की IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको 2GB रैम और 32GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी और आपको इसके अंदर एक बिग बैटरी देखने को मिलेगी, मतलब कि आप अगर फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आने वाली, आपकी ये फ़ोन कम से कम 2 दिन आराम से चलेगा। इसमें दोस्तों आपको 6000mAh की बिग बैटरी देखने को मिलेगी और आपको MediaTek का हीलियो G25 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और ये भी दोस्तों, ये फ़ोन एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड है। और दोस्तों, जो इसका कैमरा है पीछे रियर कैमरे का जो सेटअप है वो सिर्फ सिंगल कैमरे का सेटअप दे रखा है। इसमें आपको एक पीछे 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। और दोस्तों, इसकी प्राइस है 7199 रुपीज़। 3rd नंबर का स्मार्टफोन है वो आता है पोको की तरफ से पोको C3। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा मोबाइल है। इसमें दोस्तों, ये पहले 8000 के अंदर ही मतलब 4GB रैम और 64GB वाला वेरिएंट आपको देखने को मिलता था, पर अब वो नहीं आता, अब वो आता है 8499 रुपीज़ का। दोस्तों, जो ये वेरिएंट है वो है 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ। इसमें दोस्तों आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी, वो है 6.53 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी।
इसके अंदर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी और इसमें जो प्रोसेसर आता है वो है मीडियाटेक की तरफ से हिलियो G35 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों आप गेमिंग अच्छी कर सकते हैं, मतलब कि लो सेटिंग पे आप गेमिंग कर सकते हैं। और इसमें आपको पीछे रियर की तरफ इसका जो कैमरा सेटअप है वो उसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रखा है। इसमें आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो इसका फ्रंट कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का। और दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो है 7,499 रुपीज़। दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। तो दोस्तों जो नेक्स्ट स्मार्टफोन है, जो सेकंड नंबर का स्मार्टफोन है, वो आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी C12। और दोस्तों जो ये रियलमी C12 है इसमें आपको 6.52 इंच की IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छी डिस्प्ले है दोस्तों, जो मतलब कि 60Hz का आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। और इसमें आपको 3GB RAM, 32GB स्टोरेज का इंटरनल मेमोरी मिलेगी। और इसमें आपको दोस्तों बिग बैटरी देखने को मिलेगी, जिससे आप एक दो दिन तक आराम से अपने मोबाइल को चला सकते हैं। जैसे कि दोस्तों 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। और मीडियाटेक की तरफ से दोस्तों इसमें हीलियो G35 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया कि इसमें भी आप लो सेटिंग पे गेमिंग कर सकते हैं। और इसमें आपको एंड्रॉयड 10 पर यह फ़ोन बेस्ड है। और इसमें आपको रियलमी UI देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो इसका रियर कैमरा सेटअप है वो है ट्रिपल कैमरे का जो सेटअप है वो है 13+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिलेगा पीछे की तरफ। और फ्रंट में दोस्तों आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। और दोस्तों जो इसकी प्राइस है स्मार्टफोन की वो है 7,999 रुपीज़। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट स्मार्टफोन की तरफ। और दोस्तों जो फर्स्ट नंबर का स्मार्टफोन है वो है माइक्रोमैक्स की तरफ से, माइक्रोमैक्स In1B। अगर आप इंडियन ब्रांड लेना चाहते हैं, मतलब कि नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो आप दोस्तों इस स्मार्टफोन की तरफ भी जा सकते हैं। इसमें आपको 6.52 इंच की बड़ी IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगी। इसमें आपको 4GB रैम और 64GB की इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगी। मतलब कि दोस्तों ये जो फ़ोन है इस पूरी लिस्ट में, इसी फ़ोन में दोस्तों आपको 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज देखने को मिलेगी। और इसमें दोस्तों आप मतलब अच्छे से अच्छे इंटरनल स्टोरेज मिल रही है। इसमें आप बहुत सारे वीडियोस, गेम्स और ऐप्स आप मतलब स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको 5000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलेगी। और आपको जो प्रोसेसर मिल रहा है इसमें वो है दोस्तों मीडियाटेक की तरफ से, मीडियाटेक हीलियो G35। और इसका दोस्तों जो इसका जो दोस्तों OS है वो है दोस्तों स्टॉक एंड्रॉयड पर बेस्ड है। मतलब कि दोस्तों आप जो आपको जो मोबाइल अगर आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा वो दोस्तों पूरा क्लीन रहेगा। मतलब जो फालतू के ऐप्स आते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो ब्लोटवेयर्स आते हैं वो भी नहीं देखने को मिलेंगे। पूरा स्टॉक एंड्रॉयड क्लीन UI रहेगा इसका। और दोस्तों जो आपको इसका पीछे का कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है वो डबल देखने को मिल रहा है, मीन्स के 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। और फ्रंट में दोस्तों आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। मतलब दोस्तों इसमें आप सेल्फी बहुत अच्छी आने वाली है आपकी। मतलब इस जो 5 मेगापिक्सल के जो कैमरा रहते हैं उनके मतलब आपको जो कैमरा की क्वालिटी रहेगी, पिक्चर क्वालिटी मतलब थोड़ी लो देखने को मिलेगी। पर दोस्तों आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है उसकी दोस्तों पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। और दोस्तों ये फ़ोन की प्राइस है 7,999 रुपीज़। दोस्तों मैंने आपको बता दिए टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 8,000। तो दोस्तों आपको कौन सा स्मार्टफोन इनमें से अच्छा लगा वो आप मुझे नीचे कमेंट में सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और मुझे बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक बड़ी ईशान।